मेरे सभी आदिवासी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 वीलॉग पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीलॉग में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे आदिवासी हैं ये झारखंड क्षेत्र के, वैसे तो कहीं के भी हों, जो जंगल पर निर्भर हैं वो लोग यही काम ऐसे ही करते हैं। तो नॉर्मली दिखा रहे हैं कि अभी बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में भी उन्हें लकड़ियों की जरूरत तो पड़ती है, तो उनके पास जो घर का स्टॉक है वो कम ना हो जाए बोल के वो लोग रेगुलर जंगल से लकड़ी लाती है। तो हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि बरसात के सीजन में उन लोग को लकड़ी कैसी मिलती है, किस तरह की लकड़ियों को वो इकट्ठा करके घर ले जाते हैं। ये भी एक बहुत ही रहस्य वाली बात है शहर के लोगों के लिए, उनको कुछ उनको नहीं पता है कि किस टाइप की लकड़ी वो लोग काम में लेते हैं। तो चलिए, आज हमारे वीलॉग में हम आपको बताते हैं, आज का दिन हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। पप्पू के साथ हम लोग लकड़ी लेने आए हैं। तो लकड़ी कैसे ली जाती है, कहाँ से कौन सी लकड़ी जो हमें इस्तेमाल की जाती है इस बरसात के सीजन में, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आप लोग पूरी जानकारी ले सको कि बरसात के सीजन में भी एक आदिवासी कैसे लकड़ियां इकट्ठा करता है जलाने के लिए, और साथ के साथ वो अपनी प्रकृति को भी ध्यान देता है कि अगर आप पेड़ ही काटते रहेंगे हर समय तो एक दिन पेड़ खत्म हो जाएगा, तो हर समय पेड़ों पर निर्भर नहीं रहता है। तो ये वो लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जो ऑलरेडी अब खत्म हो चुकी है, सूख चुकी है, और ये वैसे भी ये बरसात के सीजन में या सर्दियों तक सड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फूफू ने लगभग इतना इकट्ठा भी कर लिया, ये बहुत आसानी से भी मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये पुटुस है या फिर और छोटे छोटे घास फूस टाइप की लकड़ियां हैं जो कम से कम जलाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी से जलती हैं। इस समय थोड़ा सा धूप होने पर भी इतनी ज्यादा सूख चुकी हैं कि गीले होने पर भी इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं ये सब तरफ है, जैसे कि आप इसको देखिए, यहाँ हरे पत्थर झाड़ियां और उग चुकी हैं, मगर उसके साथ साथ में देखिए ये सब सूख चुका है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए सिर्फ थोड़ा सा पकड़ लेने खींच लेने से ये टूट के आ जाती है। तो इन्हीं इस तरह की लकड़ियों को ही जमा किया जाता है, ये आपको सब तरफ दिखाई देंगी। ये वैसे भी ऐसा जाल है जो इस सीजन अगर अभी बरसात में ये लोग नहीं लेके जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही ये खत्म हो जाएगा, सड़ जाएंगी और गिर जाएंगी। तो ये लकड़ियां जो प्रकृति के साथ तालमेल बना के रखना ही एक आदिवासी जीवन है, इसीलिए अभी तक आदिवासी जंगल को बचाए रखते हैं, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब आप इनको फलने फूलने दीजिएगा। अगर पहले ही इसको काट के खत्म कर दीजिएगा तो नहीं होगा। ये देखिए फूफू लगी है जमा करने काटने, और ये जितने भी ये क्या बोलते हैं इसको, खरपतवार कहते हैं अपन हिंदी में, तो उस टाइप के ही देख सकते हैं ये सब लगे हुए हैं, ये सब सूखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको, देखिए ये देखिए कितना सूखा है। अब ये दोबारा नहीं निकलेगा, तो ये वैसे भी सड़ जाना है, तो ये यहाँ ना सड़े इसीलिए इनके उपयोग के लिए ही फूफू लोग देखिए यहाँ से ले जाते हैं। ये निकालना भी बहुत आसान है, साथ के साथ ये जलता भी बहुत अच्छा है, यानी आप इसको जला दीजिए तो आपको तेल या किसी भी चीज़ की जरूरत ना पड़े, तुरंत आग पकड़ लेता है, देख सकते हैं। तो आज हम लोग आए हैं फूफू के साथ ये बगल के जंगल यही लकड़ियां इकट्ठा करने, तो यहाँ गांव के सभी लोग इस बरसात के सीजन में ऐसे ही आते हैं तो इस टाइप की लकड़ियां लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें बाकी पेड़ या और दूसरे मोटी लकड़ी तो गिले रहे है ना। और ये तो फिलहाल हम ही लोग की जमीन भी है। अच्छा, तो ये आम के पेड़ से वहां रोड तक ये सारा हमारी अपनी जमीन है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ खेती नहीं करते, इसको जंगल की तरह एकदम संरक्षित किया हुआ है हम लोग ने, ताकि यहाँ जो सकुआ के पेड़ हैं और ये जो हमें अभी जैसे ऐसी लकड़ियां मिल जा रही है। साथियों देख सकते हैं आप, यहाँ रस्सी भी खोजने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए ये जो जड़ है, ये जो बेल है, ये बहुत टाइट है, यानी कि आप इसी को आदिवासी भाई लोग रस्सी के तौर पर बांधते हैं। पप्पू इसको काटिए, ये नहीं नहीं एकदम हाँ यही है, देख रहे हैं ऊपर नहीं यहाँ से काटिए, नीचे बहुत है, वैसे भी सूख जा रहा है। हाँ तो देख सकते हैं ये रस्सी के तौर पर काम आती है लकड़ियों को बांधने की। ये है वो प्राकृतिक रस्सी जो बेल के रूप में ये जंगल में या हमारे इस जंगली इलाके में पैदा होती है, और जिसे हम ये लोग लेडीज लोग या फिर जेंट लोग जो भी हम लोग के आदिवासी लोग ये लकड़ियां बांधने या किसी भी और चीज को बांधने के काम में लाते हैं। और पुराने समय में तो बहुत चीजों को इससे बांधा जाता था, क्योंकि ये जितनी जितनी मोटी और बड़ी होती है उतनी ही मजबूत रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और मिली है, देखिए थोड़ी मोटी है,
उससे थोड़ी और उम्र दराज है, तो देख सकते हैं ये है बेल। इसको टानिएगा तो भी नहीं टूटेगा जल्दी, देखिए एक हाथ से हम टान रहे हैं मगर नहीं टूट रहा है, तो बहुत ही मजबूत रस्सी है ये, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है बुम्बू इबेल, मुंडा में इसको बुम्बू इनानी बोला जाता है। ये है बुम्बू इबेल जिसको हम लोग अभी रस्सी के तौर पर यूज़ करेंगे। ऐसी और भी बेलें हैं, फिलहाल सबसे ज़्यादा यही बेल यहाँ उपलब्ध है, तो इसी बेल को के बारे में आज फूफू ने हमको बताया, तो इसकी मैंने और भी क्लिपिंग बनाई है जिसमें कि आप उसके पत्ते देखने को मिलेंगे। और आप लोग की भाषा में इसको क्या क्या बोला जाता है ये ज़रूर हमें बताइएगा जिन भाई लोग को पता होगा। ये है तरीका लकड़ी लेने का बरसात में ही, जैसे ज़्यादातर फूफू ऐसे लेते हैं ना, बरसात में सब सूख जाती है। और सोचिए इतना इतना बरसात में भी ये कितना सूखा रहता है ना, मतलब कि लिट्टी नहीं होता है। नहीं बहुत ही अच्छा तरीका, देखिए आप, देखिए यहाँ भरा पड़ा हुआ है सब। अगर आप डेली लेने आएगा तो डेली एक बोझा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लकड़ियों की कमी नहीं है। मगर हम लोग जो आदिवासी लोग हैं वो वही उसी लकड़ी का यूज़ करते हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं तालमेल बना के रखना है अपने आसपास के एरिया के साथ। अगर हम लोग इस सबको काटेंगे, जितने भी हरे 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 पेड़ हैं इन सबको ज़्यादा काटेंगे तो एक दिन पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। तो आदिवासी जानता है कि उसे कौन कितनी लकड़ी और कितने प्रकार की लकड़ियों का यूज़ करना है। और ठीक है, हाँ तो इसको भी ला दे रही है। हाँ तो देख करके काला चिट्टी है नहीं तो वो डेंजर काटेगा। अरे अड़म मुई लगाएगा, ठीक से रखो। वाह फंस गया, चलिए चलिए बांधते हैं। वहाँ का रस्सी लिया, आगे वाला थैली में। हाँ और एक तो, और एक तो वाला और नहीं है, अब तो छूट गया क्या। अच्छा रहने दो, उसी को देखिए दोस्तों। ये है पुटकल की छाल, जो हम लोग का पुटकल दारू है उसकी छाल देखिए, उसी का छाल से देखिए रस्सी बना है और इतना मजबूत है नहीं तोड़ सकते आप। तो देखिए चलिए अब फूफू के साथ हम लोग ये सब बांधने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बांधने की टेक्निक भी बहुत अलग है, ये भी एक बहुत देखने और सीखने वाली है। देखिए आदिवासी लोग ऐसे बांधता है, यहाँ गांठ नहीं लगाई जाती है, बस उसको घुमाने के बाद उसके नीचे फंसाया जाता है और ये इतना सख्त है कि देखिए खुलेगा नहीं। दोस्तों फिर से बांधने का तरीका, कला है दोस्तों ये भी बांधना, अगर आप नहीं जानिएगा तो पहली बार में नहीं होगा आपसे। और देखिए उसी को उसके पीछे से घुमा दिया जाता है, बस तो आपका देख सकते हैं लकड़ी बोझा तैयार है। तो जब भी जंगल आइएगा कुछ देर में ही, आधा एक घंटे के अंदर इतना लकड़ी इकट्ठा हो जाता है, और ये नहीं भी तो आपका एक हफ्ता आराम से जलेगा जैसे तैसे ना, दूसरा लकड़ी के साथ मिलाने से। काम खत्म हुआ तो चलिए बाबू हम लोग चलते हैं अब घर की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग आधे घंटे में ही इतनी लकड़ी हम लोग ने इकट्ठा की, यानी हम लोग ने नहीं फूफू ने, और अब हम लोग घर की तरफ को चल दे रहे हैं। तो जाते जाते दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और देख सकते हैं यहाँ लकड़ियों की अभी भरमार है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं
आदिवासी जानता है कि प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बना के रखना है, और इसीलिए वो जो ये बेकार की जो लकड़ियां हैं, सूखी लकड़ियां जो कि अभी सीजन में सड़ जाएंगी, उन्हीं से अपनी जलावन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यही एक रीज़न है जिसके कारण आदिवासी को प्रकृति पूजक और प्रकृति से प्रेम करने वाला कहा जाता है। और आदिवासी प्रकृति से उतना ही लेता है जितने की उसे जरूरत है। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने खेतों में, अब हम लोग खेतों से गुजरने वाले हैं और आपको दिखाते हैं, हम लोग कमाल का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, यहां से देखिए धान के खेत कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इससे बेहतरीन नज़ारा मैंने तो कभी किसी शहर में नहीं देखा। मुझे तो यहाँ आके जो सुकून मिला है वो मत पूछिए। तो ऐसे खेतों के बीच से गुजरने का एक अलग ही मज़ा है। तो बस लगभग हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं दोस्तों। बस ये घाटी चढ़ने के बाद ही हम लोग अपने घर के लेवल पर आ जाएंगे। तो उधर हमारे घर पहुँच गए हैं, वो रहा हमारा घर आगे। तो हम लोग अपने पीछे साइड के खेतों में पहुंच गए हैं, बस और 5 मिनट फिर हम लोग अपने घर में होंगे। तो हम लोग आ गए हैं घर, देखिए हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट घर। तो फूफू उस साइड से गई है, कहे कि यहाँ हम लोग की जो छत है वो बहुत नीचे है। तो देखिए दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर छत बहुत नीचे है तो टच होगी, इसीलिए फूफू को हम उस साइड से भेज दिए हैं, वो फूफू उधर से घूम के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो लीजिए दोस्तों, फूफू ही पहुंच गई है, देखिए। तो अंदर रखेंगे तो खोल दे रहे गेट, अंदर रख दीजिए तब यहीं। कहाँ, यहाँ खुलना मुश्किल। अच्छा आइए, खोल दे रहे हैं। सिर्फ लकड़ी नहीं लाए हैं वहाँ जंगल से, देखिए ये लेके आए हैं, इसको बोलते हैं कोया सकम, कोया सकम ऊट, यानी कि कोया सकम मशरूम। अब पता नहीं इसको ऐसा क्यों बोलते हैं फूफू भाई, क्यों बोलते हैं इसको मुझे भी नहीं पता, पहले से ऐसे ही कुछ है। अच्छा, कोया सकम ऊट बोलते हैं ये। अभी जैसे जो हम लोग ने पहले तोरमना ऊट ये सब ऊट जो पाए, अब वो सब खत्म हो चुका है, उसके बाद अब ये वाला मशरूम शुरू हो गया निकलना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब इसको अब पकाते हैं, इसका स्वाद लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा लग। कहा था मशरूम को टेस्ट करके बताते हैं, तो सच में ये जो मशरूम है वो बहुत कमाल का है और इतना टेस्टी है कि इसने चिकन को फेल कर दिया। बहुत ज़्यादा कमाल। तो मैं आप लोग सबसे कहूँगा कि अगर आप लोग इसे कोया सकम मूड अगर आपको मिले तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन स्वाद है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी फिलहाल लाइट चली गई है तो इसीलिए हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने मशरूम टेस्ट कर लिया है। और साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कुछ और गहराई से कि आदिवासी लोग जंगल से कुछ सामान लाते हैं या फिर गांव खेत में कैसे काम करते हैं, उसकी एक बहुत ही गहरी जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।